फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सब्जी की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो उसके लिए धन्यवाद। आइए देख लेते हैं कि सब्जी के लिए क्या क्या हमें सामग्री की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, दो बड़े आलू लिए हैं जिसे मैंने क्यूब के पीसेस में काट लिया है, और सेम क्वांटिटी में मैंने गाजर लिए हैं, इसे भी मैंने क्यूब के पीसेस में काट लिया है। एक कप के करीब मैंने यहाँ पर हरे मटर लिए हैं, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए लिया है, और यहाँ पर मसाले लिए हैं। डेढ़ चम्मच मैंने अदरक लहसुन को कद्दूकस करके लिया हुआ है। यहाँ पर इसकी जगह पर आप डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। आधा चम्मच साबुत जीरा है। लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार लेना है हमें। हल्दी का पाउडर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है। गरम मसाला आधा चम्मच लिया है। हींग ली है एक चौथाई चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार लेना है। और यहाँ पर मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। दो हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर दो ही प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक काटा है। और सबसे पहले हमें मटर को भूनना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं और इसे 2 से 3 मिनट हमें भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मटर हमारे भून चुके हैं। अब भूनने के साथ साथ मटर पक भी गए हैं तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। सेम कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच हमें तेल, यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है और इसे गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे, जीरा डालेंगे और साथ में हरी मिर्च डाल देंगे। 1-2 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है जिसमें अब मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भी थोड़ा सॉफ्ट करना है हमें, फ्लेम को मीडियम करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें अब हम इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ और इसे 1-2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। और ये जो टमाटर हमने काट के रखे हैं ये भी डाल देंगे साथ में। आधा कप के करीब पानी भी डाल रही हूँ मैं इसमें। पानी के बाद इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढक कर इसे हमें टमाटर को के गलने तक पकाना है। तो मैं इसे मिलाकर ढक देती हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और 1-2 मिनट इसे ढककर पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर गल ना जाए। और बीच में हमें चलाते रहना है इसे। देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब इसे हम इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे ताकि टमाटर और अच्छे से गल जाए। अब इसमें हमें आलू और गाजर डाल देने हैं। मैं आलू गाजर डाल देती हूँ उसमें और मिला लूंगी इसे अच्छे से। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अच्छे से सब्जी को मिलाने के बाद इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ और इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू पक नहीं जाते। और इसे हमें बीच में चलाते रहना है ताकि सब्जी जल ना जाए। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढक देंगे। बीच बीच में हमें सब्जी को चलाते रहना है। और आलू के पकने तक हमें सब्जी को पकाना है। सब्जी को बीच बीच में हम चला लेंगे और आलू हमारे थोड़े से पकने को रह गए हैं तो हम यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से मिलाकर आलू को पूरी तरह से पकने देंगे।
इसे ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। आलू हमारी पूरी तरह से पक चुके हैं और आज आलू के साथ साथ गाजर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें मैं मटर डाल दूंगी जो हमने सबसे शुरू में फ्राई करके रखे थे, और इसे भी 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर मटर के साथ भूनना है। मटर भी भून लिए हैं मैंने, अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आलू गाजर मटर की सब्जी तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।